नमस्कार दोस्तों, आज के इस सत्र में मैं राजभाषा अधिकारी के साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, विशेषकर राजभाषा के बारे में। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। इसका जवाब होगा 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पारित हुआ या लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया। साथ ही भारत की राजभाषा के लिए लिपि देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया और इस लिपि के अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप राजभाषा के अंकों के रूप में स्वीकार किया गया। यानी कि जो अंग्रेजी का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 चलता है, उसी को हिंदी में राजभाषा के अंकों के रूप में स्वीकार किया गया। इसके बाद दूसरा काम हुआ, 1963 राजभाषा अधिनियम 1963 बना। इसकी संकल्पना 1960 में ली गई और राजभाषा हिंदी को लागू करने के लिए जो भी कदम उठाए जा सकें उनको वैधानिक रूप से इस अधिनियम में शामिल किया गया। अधिनियम में शामिल करने के बाद, चूँकि आपका अधिनियम बन गया, अब उस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न नियम आते हैं, तो राजभाषा नियम 1976 की संकल्पना की गई और राजभाषा नियम 1976 बनाया गया। अब पूछे जाने वाले प्रश्नों में, राजभाषा नियम से पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले आता है नियम 3(1), राजभाषा नियम में 3 से लेकर 12 तक के नियम हैं, वो विशेष महत्व के हैं। राजभाषा नियम 3 के 3 भाग हैं, 1, 2 और 3। नियम 1 में आपको पत्राचार के बारे में, नियम 3 में पत्राचार के बारे में बताया गया है, जिसमें से 1 है क क्षेत्र के राज्य। क क्षेत्र के राज्य यानी कि हिंदी भाषी राज्य, जिसमें आपका दिल्ली आता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, इस तरह के राज्य आते हैं, इनकी चर्चा मैं बाद में करूँगा। उसके बाद क क्षेत्र के राज्यों से पत्राचार के बारे में कहा गया है। नियम 2 में ख क्षेत्र के राज्यों से पत्राचार है और नियम 3(3) में है ग क्षेत्र के राज्यों से पत्राचार। नियम 3(1) में है कि क क्षेत्र से क क्षेत्र को भेजे जाने वाले समस्त पत्राचार केवल हिंदी में होंगे। नियम 3(2) में क क्षेत्र से ख क्षेत्र या ख क्षेत्र से क क्षेत्र में पत्राचार के बारे में बताया गया है। क से ख में जब आप लिखेंगे तो आप हिंदी में पत्राचार करेंगे, या वाइस वर्सा, जब आप ख से कौ में करेंगे तो हिंदी में करेंगे। 3(3) में कहा गया है कि आप जो भी पत्राचार क क्षेत्र से ग क्षेत्र में करेंगे वह पत्राचार आप द्विभाषी में करेंगे, और ग से कौ में यदि करते हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं या द्विभाषी में कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। इसमें नियम 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नियम 5 में यह कहा गया है कि यदि हिंदी भाषा में कोई भी पत्र आपको प्राप्त होता है तो उसका उत्तर आपको हिंदी में ही अनिवार्य रूप से दिया जाना है। नियम 6 का देखिए, नियम 6 में यह कहा गया है कि कोई भी धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजात, यानी कि जिन कागजातों को द्विभाषी जारी किया जाना है, यह उस कागजात पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे ये सारे कागजात द्विभाषी रूप में जारी किए गए हैं। इसमें नियम आता है, अधिनियम आता है, संकल्पना है, नोटिस है, ये सारी चीज़ें हैं। कुल 14 तरह के कागजात इसमें आते हैं, उन कागजातों के बारे में पूछा जा सकता है या अधिकारी के कर्तव्यों के बारे में पूछा जा सकता है। नियम 9 भी विशेष महत्व का है, क्योंकि इसमें हिंदी में प्रवीणता के बारे में जानकारी दी जाती है। अर्थात यदि कोई कर्मचारी मैट्रिक स्तर तक हिंदी पढ़ा हो एक विषय के रूप में, या वह घोषणा करता हो कि मैंने हिंदी पढ़ा है या हिंदी की मुझे जानकारी है, तो उसे हिंदी में प्रवीण माना जाएगा। यह भी विशेष महत्व का प्रश्न होता है। नियम 12 में यह लिखा हुआ है कि प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व होगा कि उसके कार्यालय से जारी किए जाने वाले पत्राचार जिन्हें द्विभाषी जारी किया जाना चाहिए वह द्विभाषी जारी हो, और उसमें यह भी विशेष रूप से उल्लेख है कि यह प्रशासनिक प्रधान का ही दायित्व होगा कि कार्यालय में हिंदी का कार्यान्वयन सही ढंग से हो। इस प्रकार से नियम 3 से लेकर नियम 12 तक आप पढ़ जाइए, बहुत आसान है। उनमें से पूछे जाने वाले इन कुछ प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते हुए आप यदि पढ़ लेंगे तो यह नियम के बारे में सारी जानकारी आप दे पाएंगे।
भारत के संविधान के भाग 17 में अध्याय 1 से लेकर के 4 तक अनुच्छेद 343 से 351 तक में समस्त प्रावधान दिए हुए हैं राजभाषा के। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड किया था कुछ महीनों पहले, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप उससे उसकी जानकारी। ये तो हो गए सामान्य प्रश्न जो पूछे ही जाएंगे आपसे। अब इसके बाद आते हैं क्रिटिकल प्रश्नों के बारे में। पहला क्रिटिकल प्रश्न यह किया जाएगा कि मान लीजिए आपके कार्यालय का कोई अधिकारी है और वह जानबूझ करके हिंदी में काम नहीं कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे काम करवाएंगे। इसके बारे में कई लोग कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन मेरे विचार से सबसे अच्छा जवाब यह होगा कि आप उन अधिकारी महोदय से एक बार या दो बार उनके संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में बताएंगे। क्योंकि जब भी आप सरकारी नौकरी में जाते हैं आपको एक कसम खिलाया जाता है नौकरी के पहले दिन ही कि मैं संविधान सम्मत समस्त कार्य करूँगा और उसका उल्लंघन नहीं करूँगा। राजभाषा के कार्यान्वयन की संपूर्ण जानकारी भी संविधान के अनुसार ही है, तो यदि आप उल्लंघन करते हैं तो आप अपने उस कसम का उल्लंघन कर रहे हैं और आप संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि उनके संज्ञान में बात लाने के बाद भी वो नहीं मानते हैं तो आप अधिक से अधिक आप इसकी जानकारी अपने प्रशासनिक प्रधान को दे सकते हैं कि जनाब यहाँ राजभाषा के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, कृपया इस पर कार्रवाई करें। और आप जो कुछ भी करेंगे वह लिखित रूप में कहकर समझा सकते हैं अपने अधिकारी को। तो आप जवाब यही देंगे कि मैं प्रयास करूंगा उनको बताने का उनके संवैधानिक दायित्वों का, यदि वो नहीं मानते हैं तो मैं ये सारा निर्णय अपने प्रशासनिक प्रधान पे छोड़ दूंगा। फिर एक प्रश्न किया जाता है कि मान लीजिए आपके पास पुस्तकालय है, तो पुस्तकालय के लिए पुस्तकें हिंदी में खरीदी जानी चाहिए या नहीं खरीदी जानी चाहिए। इसके बारे में भी प्रावधान है कि आपके पुस्तकालय के लिए जो भी मद आवंटित होगा उसका 50% आप हिंदी की पुस्तकों की खरीद के लिए करेंगे। फिर आता है नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बारे में। वर्ष में दो बार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है और यह अपेक्षित है कि समस्त सरकारी कार्यालय उस क्षेत्र के या अपने क्षेत्र के नराकास की सदस्यता लें और कार्यालय प्रधान और राजभाषा का कार्य देखने वाले अधिकारी उस बैठक में सम्मिलित हों और बैठक में जो कार्रवाई हो उसके अनुसार कार्रवाई करें, बैठक में जो चर्चा हो उसके अनुसार कार्रवाई करें। इसके बाद आपको साल में 3 कार्यशालाओं का आयोजन करना अपेक्षित है आपसे, यानी कि हर तिमाही न्यूनतम 1 कार्यशाला करेंगे और हर तिमाही आप विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की एक बैठक करवाएंगे। विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के प्रमुख होते हैं, वो कार्यालय प्रमुख होते हैं और सदस्य सचिव उसके हिंदी अधिकारी या राजभाषा अधिकारी होते हैं या प्रभारी अधिकारी होंगे और जितने भी शाखाओं के प्रधान हैं यानी कि शाखा अधिकारी हैं वो इसके सदस्य होते हैं। इन प्रश्नों पर भी हमारी गाड़ी रुक जाती है कि कितनी बार करनी चाहिए, तो हर तिमाही 1 बार यानी कि 4 बार आपको साल में कार्यशाला और 4 बार बैठक का आयोजन करना है। इन प्रश्नों के साथ साथ एक और प्रश्न किया जाता है कि आपके कार्यालय में जो भी रजिस्टर हैं, रजिस्टरों में या अटेंडेंस रजिस्टर में हस्ताक्षर किस भाषा में किया जाना चाहिए। यह नियम है कि आपके कार्यालय में जो रजिस्टर है उस पर द्विभाषी रूप में लिखा जाए, हिंदी और अंग्रेजी में भी नाम लिखा जाए और हस्ताक्षर लोग हिंदी में ही करें। जिनको बिल्कुल नहीं पता उनकी बात छोड़ दीजिए, पर प्रयास आपको करना है कि हस्ताक्षर हिंदी में हो। उसके बाद आपके कार्यालय में लोगों की सेवा पुस्तिका होती है, सर्विस बुक, यह मैंडेटरी है कि सर्विस बुक में या सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टि हिंदी में ही किया जाए, अंग्रेजी में ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। कई बार आपको कंफ्यूज करते हैं कि यदि कार्यालय में राजभाषा उपबंधों का उल्लंघन हो रहा है तो इसकी दायित्व तो राजभाषा अधिकारी की होती है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि राजभाषा अधिकारी केवल राजभाषा कार्यान्वयन के लिए कार्यालय प्रमुख का सलाहकार होता है या वह देख रेख करता है। यदि कहीं भी उल्लंघन होती है या इस तरह की कहीं कोताही बरती जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कार्यालय प्रधान की होती है और बैठकों में इस बात पर चर्चा किया जाना चाहिए। फिर धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले कागजातों के बारे में विशेष रूप से ध्यान दें कि कागजात द्विभाषी ही जारी किया जाना चाहिए। अब अंत में कुछ मित्रों के प्रश्न आते हैं कि इन तैयारियों के लिए किस किताब से पढ़ें या कौन सा किताब बेहतर होगा। राजभाषा विभाग की अपनी वेबसाइट है www.rajbhasa.nic.in,
इसके ऊपर आपको प्रावधान मिल जाएंगे। बाकी राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में मेरी भी एक पुस्तक है, वो आपको गूगल प्ले बुक पर मिल जाएगी राजभाषा कार्यान्वयन नाम से, या फिर अमेजन किंडल पर मिल जाएगी, PDF फॉर्मेट में है। आप उसको डाउनलोड करके आपको राजभाषा अधिकारी या अनुवादक के रूप में क्या क्या कर्तव्य हैं आप उससे देख सकते हैं। हार्ड कॉपी खरीदने के लिए अन्य प्रकाशक की मुझे एक पुस्तक मिली, बसंती प्रकाशन ने एक पुस्तक, डॉक्टर पन्ना प्रसाद की पुस्तक है, दिल्ली की है बसंती प्रकाशन, उसने प्रकाशित किया है राजभाषा विमर्श। यदि अच्छी लगे तो आप वह पुस्तक भी ले सकते हैं, और इनसे आप सिर्फ अपनी परीक्षाओं की तैयारी नहीं बल्कि कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य के बारे में भी समुचित जानकारी पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आपके विचारों एवं सुझावों का स्वागत रहेगा। हाँ, सबसे बड़ी बात, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।